हमारी जो लड़ाई है देश बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। और जो लोग आज सत्ता में जो काबिज है, जो लोग बुढ़िया कानून को लागू करना चाहते हैं, जो लोग संविधान विरोधी आरक्षण विरोधी जिन्होंने जुमलेबाजी करके लोगों को चीट करके धोखा दे करके सत्ता में जो आए, हमारी इनसे लड़ाई। और पहले से ही हमारी पार्टी की और हमारे नेता लालू जी का प्रयास रहा है कि जितने भी विपक्ष हैं सब लोग गोलबंद होकर के चुनाव लड़ने का काम करें। चाहे यूपी का चुनाव था, उस समय भी हमारे पिता ने और ये प्रयास भी किया था कि मायावती जी, अखिलेश जी एक मंच पर आकर के चुनाव लड़ने का काम। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है विपक्षी दलों में, सबसे पुरानी पार्टी है। उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो किस प्रकार से जितने भी ऑपोजिशन की पार्टियां हैं, चाहे जो यूपीए में थे या कुछ जो एनडीए से नाराज होकर के निकले, वो किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करते हैं और सभी पार्टियों को किस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। और हम लोगों के जो बस में जितनी क्षमता है, हम लोग सभी लोगों से, जो विपक्षी दलों के जो मुख्य नेता लोग हैं, जब भी हमारी बात होती है तो यही बात होती है कि सब लोगों को अपने ईगो को दूर करके सब लोगों को एकजुट होकर के चुनाव लड़ना चाहिए। ये मोदी जी को हटाने की लड़ाई नहीं है, ये संविधान और देश बचाने की लड़ाई है।